गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम। ओके, तो इस फाइव किंगडम सिस्टम की जो सबसे बड़ी डिमेरिट है वो ये है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सिस्टम सभी जीवों में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को शो नहीं करती है, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं करती है। मैंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, इसलिए मैं इस पॉइंट पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पहली डिमेरिट ये है कि ये सभी जीवों में, ये जो सिस्टम है, सभी ऑर्गेनिज्म में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं करती है, पहला डिमेरिट हो गया इसका। सेकेंड डिमेरिट ये है कि आरएच विटेकर ने एल्गी को ही तीन किंगडम में रख दिया। यहाँ पे एल्गी को ही तीन अलग अलग किंगडम में इन्होंने रखा हुआ है। देखिए, जैसे बात करते हैं एल्गी की, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जिसको आप बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो इनको इन्होंने किंगडम मोनेरा में रख दिया, ठीक है। कुछ एल्गी जो यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक सेल थी उनकी, उनको इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। और कुछ एल्गी जो मल्टीसेलुलर थे, उनको इन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है, ठीक है, कि एल्गी को ही उन्होंने तीन अलग अलग किंगडम में प्लेस किया, ठीक है। सेकंड मेरिट हो गया। थर्ड एंड लास्ट डिमेरिट ये थी इनकी कि हालांकि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसका जो बेस था सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ठीक है। इसी बेस पे इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम दिया था, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट भी होती है, किसी में सेल वॉल एब्सेंट भी होती है, कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। एक चीज़ और, ये फंगस ईस्ट जो है, ईस्ट एक फंगस होता है जो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, तो इसको रखना चाहिए कहाँ पे? मोनेरा में रखना चाहिए या प्रोटिस्टा में रखना चाहिए, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। लेकिन इसको आरएच विटेकर ने रख दिया मल्टीसेलुलर फंगस के साथ इसको रख दिया। हालांकि ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसको इन्होंने कहाँ प्लेस किया? मल्टीसेलुलर फंगस के किंगडम में इसको प्लेस कर दिया। तो ये इस सिस्टम का तीसरा ये ड्रॉबैक है, तीसरा डिमेरिट है। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग। ये हो गया कार्ल ओइस का हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।